करेंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं और पूरे ग्लोब पर हवा का वितरण कैसे है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का परिसंचरण क्या है। ये ऐसा टॉपिक, ऐसा टर्म है जो हम जितनी बार पढ़ते उतनी बार भूल जाता है, और इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो पूरी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं, तो चाहे जिस किताब से पढ़ें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा और हर बात को बारीकी से समझना होगा। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को हम लोग पढ़ते चलेंगे तब उस टॉपिक को पढ़ना आसान हो जाएगा, अन्यथा किसी भी किताबें पढ़ेंगे पूरी ज़िंदगी कभी समझ में नहीं आता, और अगर आ भी गया तो कुछ दिन बाद जैसे याद आता है वैसे भूल भी जाता है। इसलिए पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर जाएंगे कि हमें जो पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि हवा कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है। तो हवा चलना अगर आपको पता हो जाएगा तो बाकी चीज़ों में पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, हवा चलने के लिए एक संवहन जानते होंगे आप लोग, बताइए जरा प्लीज। अब जैसे ये सब छोड़ देते, सब साइंटिफिक भाषा छोड़ के आते हैं, एकदम अपने लैंग्वेज समझने का प्रयास करते हैं हवा चलती है कैसे। ठीक, पहले मैं एग्जांपल दूंगा, उसके एग्जांपल को हम ले चलेंगे अपने टॉपिक पे, लेकिन पहले मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण को समझिएगा, क्योंकि मुझे समझाना है आपको। अगर हवा चलना समझ जाएंगे तो पूरे ग्लोब पर हवाओं का वितरण समझ जाएगा। ठीक, अब जैसे आप ठंडी के समय नहाते थे, आप बता दीजिए, मतलब ये भी कन्फर्म नहीं, नहाते थे ठीक, पानी गर्म करते हैं, जब पानी गर्म करते हैं किसी भी बर्तन में रख के, तो पानी, जिस पर मैं पानी रखा हुआ, तो सबसे पहले तली का पानी गर्म होता है। क्या होता है? तली का पानी गर्म होने के बाद सीधा ऊपर उठता है, और फिर ऊपर ठंडा पानी, कभी अब ठंडी में दवा खाने के लिए पानी रखे रहें गर्म करें, कुछ देर बाद फिर ऊपर पानी गर्म, नीचे पानी, यही प्रक्रिया होती है। ये क्रम ऐसे चलता रहता है, ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक पूरे जल का तापमान एक जैसा ना हो जाए, माने ये प्रक्रम तब तक इस तरह घूमता रहता है जब तक पूरे जल का तापमान एक जैसा ना हो जाए। जब एक जैसा हो जाता है तो क्या होता है? गर्म हो जाता है, फिर उबलना शुरू होता है। तो लेकिन हमने ये सीखा कि सबसे पहले क्या गर्म होता है? पिंडी है इसकी, और इसके तली में क्या संपर्क होता है? यहाँ का पानी। इसके तली में जो पानी संपर्क होता है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद हल्का होता है, हल्का होने पर ऊपर उठता है। उसका स्थान गिरने के लिए बगल से जिसका घनत्व ज्यादा है वो काटती है नीचे की तरफ। इस प्रकार ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक पूरे जल का तापमान एक सा ना हो जाए। समझ में आ गया? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरण इस पृथ्वी के धरातल पर सीधी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो सबसे पहले वो किसको गर्म करती है? धरातल को गर्म करती है। जब धरातल गर्म हो जाता है, उनके संपर्क में जो हवा आती है वो भी क्या होती है? अब गर्म होने के बाद कहाँ उठती है? ऊपर। तो गर्म होकर हवा जब ऊपर उठती है, इसको कहते हैं निम्न वायुदाब। लो प्रेशर। क्या कहते हैं? लो प्रेशर। मतलब क्या होगा? जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, इसे क्या कहते हैं? लो प्रेशर। क्या कहते हैं? लो प्रेशर। लो प्रेशर कहते हैं। फिर उस स्थान को घेरने के लिए, जैसे हमने क्या देखा था, अभी एक टब में से ग्लास पानी निकाल लीजिए, क्या वहां गड्ढा बन जाता? जैसे आप निकालेंगे तुरंत क्या होगा? स्थान तुरंत घेर लेगी। ठीक, तो एक कंडीशन यह होगा कि जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तुरंत उस स्थान पर क्या होगी? बगल वाली हवा, इसको कहते हैं उच्च वायुदाब। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर। तो हवा किधर किधर चलती है? हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। क्यों? निम्न मतलब जब हल्का होकर ऊपर उठेगा, हवा किधर किधर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। यह कॉन्सेप्ट हमेशा समझ लीजिएगा, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। जो टॉपिक समझ में आएगा उसे आप नोट डाउन करते रहिएगा आप साथ में, नहीं मत कहिएगा सर हमने तो लिखा ही नहीं, हमसे छूट गया। ठीक, तो हवा किधर से किधर चलती है? निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलती है। हवा के बारे में एक बात और जान लीजिए, एक छोटी सी बात है,
हवा जिस दिशा से आती है उसका नाम उसी दिशा की तरफ से पड़ता है। जैसे अगर हवा प्रतीक से पिंटू की तरफ गई, हवा का नाम क्या होगा? प्रतीक हवा। क्या होगा? और अगर जितेंद्र से पिंटू के पास गई तो जितेंद्र हवा, और पिंटू से अगर मुन्ना के पास गया तो पिंटू हवा। मतलब हवा जिधर से आती है उसका नामकरण उधर से ही होता है। अगर पश्चिम से आ रही है पछुआ, पूर्व से आ रही है पूर्वा। माने हवा जिस दिशा से आती है उसका नामकरण उसी दिशा से होता है। ठीक, आगे बढ़ते रहें। ये तब हवा चलने की छोटी सी प्रक्रिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा हवा किधर से किधर चलता है। छोटा विकास, हवा किधर किधर चलती है? हाँ सही बताया ना, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। हवा में से किधर चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। निम्न वायु दाब कैसे बनता है? समझ में आ गया। उच्च वायु दाब कैसे बनता है? क्या पूरे ग्लोब में जो हवाओं का वितरण है क्या इसी पे आधारित है? नहीं, हवा के वितरण को कई चीजें प्रभावित करती है। तापमान, बनावट, पृथ्वी की घूर्णन गतियां, अन्य गतियां हैं। अन्य कारणों की वजह से पृथ्वी की हवाएं पूरे ग्लोब पर प्रभावित करती है। यदि जो हवा पूरे ग्लोब पर सतत रूप से एक ही दिशा में एक तरफ चलती रहती है उसे ग्रही हवा कहते हैं। माने जिन हवाओं का वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। जो हवाएं मौसम दशा के साथ बदलती रहती है उन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं या मानसूनी पवने। और यदि कोई पवन, कोई क्षेत्र समुद्र के किनारे है, हवा समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र की तरफ चलती है तो उसके भी नामकरण, अगर समुद्र से स्थल की तरफ आ रही कौन सा हवा होगा? समुद्री समीर या समुद्री हवाएं, हवाएं या पवने। ठीक, और अगर स्थल से समुद्र की तरफ गई तो स्थली हवा। ठीक, तो ये इन प्रक्रिया हवाएं होती हैं। कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जिनका जो वर्ष भर नियत दिशा में चलती रहती हैं उन्हें हम ग्रही हवा कहते हैं। इनका वितरण ग्लोब पर होता है। इन सभी को अलग अलग करके देखेंगे। तो हवा के बारे में छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे आने के बाद एक कोरियालिस बल, फेरस ने एक कोरियालिस बल बताया कि पृथ्वी घूर्णन करती है। शायद आप भी जानते हैं पृथ्वी घूमती है किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसलिए सूर्योदय कहाँ होता है? अगर कोई यह प्रश्न पूछ दे कि सूर्योदय पूर्व दिशा में ही क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? छोटा सा रीजन है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, आप बस या ट्रेन पर बैठे हैं कि नहीं बैठे? जब ट्रेन पर बैठ के बाहर की तरफ नजारा देखते हैं तो पेड़ पीछे भागता है, देखा आपने कभी? लेकिन वास्तव में भागता कौन है, चलता कौन है? हम आप लगता क्या है? उसी तरह सूर्य स्थिर है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है और सूर्य स्थिर है और लगता है सूर्य कहाँ हो रहा है? पूर्व में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है। जबकि वह है हम पश्चिम से पूर्व दिशा में आते हैं इसलिए हमारे सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होती है। ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा। जैसे पेड़ पौधे लगता पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन आगे जाती है, लेकिन वास्तव में ट्रेन आगे जाती है, पेड़ स्थिर रहता है, वजह सूर्य स्थिर और हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं इसलिए सूर्योदय क्या होता है? पूर्व दिशा में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं तो फेरल का भी नियम कहते हैं। फेरल नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ये बताया कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये हो गया विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण को। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाती है। अगर उनको जाना यहां तो किधर घूम जाती हैं? अपने दाएं घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाती हैं। इसे कहते हैं कोरियालिस बल। अगर कोरियालिस बल पूछता है तो आप सीधा बता देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब पृथ्वी घूर्णन कारण कैसे हुआ? अब ये हवा यहाँ चली थी यहाँ आने के लिए, लेकिन जब तक ये यहाँ पहुंचती तब तक पृथ्वी चलकर कहाँ गई? तो यह यहाँ न पहुंचने कहाँ पहुंचेगी? अब कि ये कहेगी नहीं तू चल मैं आता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हवा चलेगी पृथ्वी रुकी रहेगी, आप आइए तो हम चलते हैं। तो कोचिंग आना होता है, आप लोग कहते हैं
आपका मित्र आ जाए तब हम आए, तो 5 मिनट लेट हो जाता तो अभी 5 मिनट लेट हो जाते हैं। पृथ्वी ऐसा वो अपना काम सतत रूप से करती रहती है, जिनको आना है वो आए, लेकिन जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक ये क्या हो जाएगा, यह हिस्सा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पश्चिम में चला जाएगा। माने हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिण गोलार्ध में यहाँ आना था, हिस्सा आगे चला गया, कहाँ आएंगी। तो एक बात और स्पष्ट कर ली, क्योंकि ये सारे टर्म्स है जो आगे समझ में आएगा अन्यथा समझ में, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाई तरफ घूम जाते हैं, जिसे हम कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस बल कहते हैं। समझना कितना, अब आगे बढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को आता है। अब पृथ्वी का कुछ प्रतिबंध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह बीच में जो एक रेखा होता है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई हो उसे मध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसके 3.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ को हम कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से भी होकर उसके ठीक ऊपर जाते हैं। यह 23 सही 1/2, ये 66 सही 1/2 यहाँ पे है आपका आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। फिर नीचे आते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में, जिसका नाम है मकर रेखा। फिर नीचे आते हैं 66 सही 1/2 अंतर्कट का रेखा या अंतर्कट का, ये आप लोग समझ लीजिए ठीक। तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से जानते होंगे, ये नई चीजें तो है नहीं, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन 3.5 डिग्री उत्तर 3.5 डिग्री नीचे के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं ट्रॉपिकल जो, क्या है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्या है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य कि किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, लेकिन 23.5 डिग्री पृथ्वी की झुका होने के कारण ये वर्ष भर में सूर्य किरणें इसके कहीं न कहीं किसी न किसी भाग पर सीधी चमकती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। माने जो सूर्यातप होता है, इंसुलेशन होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य किरणें जब पड़ती हैं सीधी चमकती हैं, तो इन क्षेत्रों पे वर्ष भर में कहीं न कहीं सूर्य किरणें सीधे इन स्थानों पर जरूर पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब 23.5 उत्तर और 23.5 डिग्री यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसे शीतकटिबंधीय कहते हैं। यहाँ भी और यहाँ, ये हो गया शीतकटिबंध, ये हो गया उष्णकटिबंध, और 66.5 के ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव, ध्रुवी क्षेत्र, हो गया दक्षिण ठीक। तो ये हमने क्या देखा, केवल कल हमने ये देखा कि किस तरह से सूर्यातप का वितरण है ठीक। और आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल हवा पढ़ना है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना है, हवा पढ़ना। हवा क्या पढ़ना, पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर हवाओं का वितरण। हमें यही पढ़ना कौन सा पेड़ कहाँ होगा, कहाँ सदाबहार वन होगा, कहाँ ट्रॉपिकल जोन होगा ठीक, कहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब किससे है, हवा से ठीक। मिटाइस को सोना जाना, यहाँ पर सूर्य किरणें वर्ष भर कभी न कभी सीधी चमकती हैं, ये मां सूर्य तक सर्वाधिक प्राप्त होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी प्राप्त होती हैं, शीतकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, वर्ष भर वर्ष आच्छादित रहती है, इसे हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक रेखा के ऊपर, माने 66.5 डिग्री के ऊपर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव। मुझे यही आपको समझाना था, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया। लेकिन एक शब्द आ गया पेटी, उन्होंने कह दिया, अब पेटी समझा दें कौन, आपने पूछा डोल्ड, अभी मैं शुरुआत क्यों, ऐसा नहीं बच्चा पैदा होते ही उसकी शादी कर देते हैं और दौड़ने लगता है या वो जिम ज्वाइन कर लेता है, ऐसा होता है, एक क्रम होता है, पहले पैदा होगा, फिर उसके दांत होते निकलेंगे, फिर जमीन से चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ेगा, हो सकता है डोल्ड्रम आ गया है,
ऐसा भी हो सकता है ना, जब मैं पूरी प्रोसेस खत्म कर लूँ अगर कोई चीज़ छूटा है तब आप कहिए सर ये तो आपने नहीं पढ़ा, डोनाल्ड भी बहुत आगे है। अभी हमने क्या पढ़ रहा है, हवाओं के भीतर, इससे हम टॉपिक से भटक जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्योंकि वास्तव में हम किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बनता जाता है कॉन्सेप्ट, इससे थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसे फॉरगेट हो जाऊंगा, भूल जाएगा, मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा क्या उद्देश्य था पढ़ाने का। ठीक, तो फिर हमने देखा ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों पे जो हवाएं होती हैं वो अलग अलग इसको प्रभावित करती हैं। और ये ऐसा टर्म है, आप इसे समझ लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत सारी किताबों मिल जाए, बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाए, लेकिन यह टर्म समझ में तभी आएगा जब यह सारे कॉन्सेप्ट मेरे आप समझे रहेंगे तब, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पढ़ने के लिए पूरी उम्र हम कई बार कई चीजों को पढ़ते हुए कहते हैं भूल गया, हमें याद नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज को एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे तो पूरे जीवन काल नहीं भूलेगा। मैंने जितनी चीजें बताई वो शायद आपके दिमाग में फीड हो चुकी होंगी। एक शब्द उठा है पेटी, तो मैं पेटी बताना चाह रहा था। एक पेटी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ खास विशेषता होती है, हमारे यहाँ क्या आपने ऐसा महसूस किया होगा, क्या महसूस किया होगा वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे दिन के 12 बजे सूर्य किरणें हमारे सर के ऊपर सीधी चमकती हैं, दिन के 12 बजे सूर्य किरणें हमारे सर के ऊपर सीधी चमकती हैं, इसलिए सूर्यास्त सबसे ज्यादा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्मी लगती है वो 1 से 3 बजे के बीच। रात की बात करें 12 बजे, ठीक 12 बजे मिडनाइट होता है, मध्य रात्रि होती है, लेकिन आप चादर कब खींचते 1 से 3। आखिर मौसम जो परिवर्तन होता है वह 2 घंटे बाद असर, ऐसा आपने देखा। अब आते हैं ठंडी की बात करते हैं, गर्मी की बात करते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है, ठीक, मतलब सूर्य किरणें इस स्थान पर रहती है, मकर रेखा को 23 को पहुंच जाती है, मतलब इसके पास ही वो पहुंचना शुरू कर देती है 10 दिसंबर से। लेकिन हमारे यहाँ ठंडी कब पहुंचती होती है कड़ाके की, 8 दिसंबर में। ऐसा क्यों, क्योंकि वायुमंडल को ठंडा होने में गर्म होने में 15 दिन का समय लगभग लगता है, और अगर दोपहर 2 बजे 12 बजे होता है, असर उसका 1 से 3 होता है, क्योंकि वायुमंडल को गर्म करते करते 2 घंटे का समय लग जाता है। जैसे आप आटा गूंथने के बाद क्या रोटी तुरंत तवे पर रखते हैं, या जब तवा गर्म होता है तब रोटी, वही कंडीशन होता है, माने उतना समय जो लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि वायुमंडल को गर्म या ठंडा होने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और जब वायुमंडल जब मौसम परिवर्तित होता है उस समय भी क्या होता है, उसे बदली होने में पूरे मौसम को ठंडा या गर्म करने में भी 1 महीने का 15 दिन का समय लगता है, लगभग 15 दिन। जैसे 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी की बीमारी जुलाई से प्रारंभ होती है, क्यों, क्योंकि मौसम को वायुमंडल को पूरे गर्म होने में 15 दिन का समय लगता है, इसलिए 15 दिन जो मौसम का प्रभाव होता है वो आगे दिखाई देता है या आगे प्रतीत होता। लेकिन एक बात और है, अब जैसे किसी स्थान पर यह आग लगा दिया तो क्या गर्मी यही होगी, थोड़ी इसके ऊपर भी होगी थोड़ी इसके, इसीलिए जिस रेखा पे जिस स्थान पे बात करते हैं सूर्य किरणें चमकने की सीधी पड़ने की, ठीक, तो उसके कुछ ऊपर और कुछ नीचे, मतलब 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे इसका असर होता है, इसी को क्या कहते हैं हम पेटी शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, पेटी शब्द का प्रयोग, क्योंकि पेटी खसकती रहेगी, कैसे खसकती रहती है, जैसे अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमक रही है, क्या उसका असर यहां तक होगा कि यहां तक भी होगा ऊपर, इसका मतलब कि यह जो पेटी इतनी लंबी बात थी 5 ऊपर 5 डिग्री क्या हो जाएगी, ऊपर खिसक जाएगी। वही कहते हैं उत्तरी की पेटी ऊपर खसक रही, पेटी नीचे खसक रही, वास्तव में पेटी नहीं, उसका असर वहां तक होता है, लेकिन हमसे सुविधा के दृष्टिकोण से उसे क्या कहेंगे हम, पेटी शब्द का प्रयोग। ठीक, अब आ जाते हैं अपने ग्लोब पर हवाओं के वितरण को समझाएंगे, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ें जो मैंने बताया इसका योग अगर नहीं होता तो आप आगे समझ में आपको नहीं। चलिए ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया जीरो, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य रेखा पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकती हैं। अभी कौन समझिएगा और जहां समझ में उसको लिखते चलिएगा, सूर्य किरणें एकदम सीधी चमकती हैं। जब सूर्य किरणें एकदम सीधी चमकेंगी तो सूर्यास्त तब क्या होगा, सूर्य चाहे दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में रहे चाहे उत्तरी गोलार्ध में रहे, यहां पे सूर्यास्त तब जरूर प्राप्त होगा।
इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान, और जब तापमान प्राप्त होगा यहाँ पे क्या होगा, धरातल हमेशा, जब धरातल गर्म रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे, वायु गर्म होकर, अभी मैंने एक शब्द का उपयोग किया था पेटी शब्द का, माने इसका असर कहाँ तक होगा, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। यहाँ पे हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, और गर्म होंगी कहाँ करेंगी, ऊपर उठेगी। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, निम्न वायुदाब या लो प्रेशर बनेगा। ये क्या बनेगा, लो प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी कहाँ, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री। इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। याद हो गया आपको, कैसे सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ धरातल गर्म होगा, गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठेगी, यह क्या बनेगा, लो प्रेशर। इसे क्या कहेंगे, कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा, या इसे कहेंगे भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी। हवा गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी यहाँ पे कोई हलचल, इसीलिए इसे डोल ड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डोल ड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं, इसी को कहते हैं डोल ड्रम या शांत पेटी। ये कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, इसका स्थान लेने के लिए दोनों गोलार्धों से क्या आएंगी, हवाएं आएंगी। तो हवाएं आएंगी, कर्क रेखा तो 23 पे था, लेकिन हम लेंगे 30 से 35, कहीं कहीं लगे हो गया 30 डिग्री से 45, और नीचे भी हो गया 30 डिग्री से। क्यों, समझते रहिए। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, क्यों बनेगा, गर्म होकर रिपोर्ट है, इसका स्थान लेने के लिए हवाएं इन दोनों स्थानों से आएंगी। अब जब इन दोनों तरफ से आएंगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, समझ में आया एक बार, यहाँ पे क्या बनेगा। अब हवा जब इधर से इधर चलेगी तो कैसी आएगी, फिर आएगा फेरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने कहां घूम जाती हैं, दाएं, तो हवाएं यहां सीधी नहीं आएंगी, तो आगे दाएं। वैसे आना तो सीधा था, लेकिन क्या करती है, दाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाएंगी। तो एक और चीज हम लोग जानते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग तो दिशा जानते ही होंगे। ठीक, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। हवा किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, हवा का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये हवा किधर घूम गई, ठीक। अब दक्षिणी गोलार्ध हवा किधर जाएंगी, अपने बाएं घूम जाएंगे। क्यों बाएं घूम जाएंगी, फेरल का नहीं, फेरल का ये दिख गया। अब इन हवाएं जब ये चलती हैं किधर से किधर, तो पहले जो अंग्रेज थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग नाविक जो थे, व्यापार करने के लिए जब चलते थे तो हवाएं इधर जाती हुई प्रतीत होती थी। तो जब वो नीचे इधर की तरफ आते थे तो नाव में पाल बांधते थे, पाल जानते हैं ना, तो जब हवाएं का झोंका लगता था तो क्या होता, उसको रफ्तार मिलती थी, स्पीड मिलती थी। इसलिए उस समय के जो व्यापारिक थे, जो उनके नाविक थे, उनके लिए हवा क्या थी, काफी महत्वपूर्ण होती थी, उनको समय बचा देती थी। इसलिए इन हवाओं को हम व्यापारिक पवने या व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। इन्हीं हवाओं को, कौन सी हवाएं, जो 30-35 से किसके तरफ आती है, 0 डिग्री से, क्या कहते हैं इसे, व्यापारिक पवने। ऐसे व्यापारिक को समझ नहीं है, लेकिन समझ में आ गया, कौन सी हवा जो 30-35 से 0 डिग्री डोल ड्रम की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ क्या बनेगा, इसका मतलब हाई प्रेशर। समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ये मानना हमने 0 डिग्री, ठीक, दाएं हाथ पे मान लेते हैं नॉर्थ, बाएं हाथ पे मान लेते हैं साउथ। समझेंगे पूरी थियरी कॉन्सेप्ट खत्म, समझ में आएगी। हवाएं गर्म होकर 0 डिग्री का उठी, उठा रहे हवा को, उठने के बाद हवाएं कहां जाएंगी, ऊपर जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं बैठेंगी,
कहाँ बैठती है इधर देखिएगा। तीस से पैंतीस डिग्री मैंने यहाँ पे ऊपर समाया के। अब जब यहाँ हवा बैठ रही है उठ रही है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बना, यहाँ क्या बना हाई और सेम कंडीशन है। यहाँ भी यहाँ भी क्या बनेगा 30 से 35 पे। ये देखिए ये मैंने बताया था नॉर्थ, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए हवाएं आ गई, यहाँ से हवा ऊपर उठ गई, ये मैंने क्या किया 3D बना दिया कि हवाएं यहाँ से उठकर गई होंगी ऊपर गई। ऊपर आने के बाद यहाँ यहाँ पे हाई बना और यहाँ पे हवा किधर किधर चलती है, हवा किधर आएंगी आई नहीं, तो हवा इधर आ गई ना। लेकिन यहाँ पे हवाएं क्या हो रही है बैठ रही है, जब बैठेंगे दबाव बढ़ेगा कम होगा भाई दबाव बढ़ेगा। तो जब नाभिक यहाँ समुद्र पे कहाँ से 30-35 डिग्री पास जब समुद्र से गुजरते थे तो वायु दाब बढ़ता था, तो उनकी नाव क्या होती थी डूबने लगती थी। तो लोग करते क्या थे, क्योंकि हम व्यापारी कौन थे, क्यों, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने लोग आते थे। जब व्यापार करने नाव पे जाते थे अपने साथ घोड़ा भी लाद लेते थे, इसलिए कि नाव को खड़ा करने के बाद गाँव में किसे जरूरी नहीं है कि गोमती नदी किनारे खड़े हो गए हमारे साथ जौनपुर पहुँच गए तुरंत, पहले ऐसा तो था नहीं। बस सर व्यापार करने के लिए पता चला कि आपने रामदाल सही नदी किनारे नाव खड़ी की, अब व्यापार करने के लिए 5-7 किलोमीटर गांव में जाना है, क्या रखे थे कार तो था नहीं, बाइक तो था नहीं, घोड़े रखते थे। तो जब वायुदाब बढ़ने तो नाव डूबने लगती थी, तो उससे बचाने के लिए नाव की बोझ को कम करने के लिए घोड़ों क्या करते उठा के फेंक देते थे सागरों में समुद्रों में इसको घोड़ों को, इसलिए किस लिए फेंकते थे नाव हल्की हो जाए डूबने, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं अश्व अक्षांश। नाव डूबेगी घोड़ा लादे घोड़ा को फेंक देंगे समुद्र में नाव हल्की हो जाएगी आधे घंटा भी तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं अश्वोच्छांस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं व्यापारी। यहाँ पे कौन सा दाब बनेगा हाई प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। अभी जब हाई प्रेशर बन गया हवाएं कुछ इधर आएंगी कुछ हवाएं इधर जाएंगी, इधर कहाँ जाएंगी फिर आते हैं ऊपर 60-65 ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अब देखिए भाई यहाँ क्या घटना घटेगी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस स्थान पर तो बनना चाहिए था हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, लेकिन फिर भी पृथ्वी घूर्णन के कारण हवाएं क्या करती उठा के ऊपर फेंकती है। एक बल पड़ा होगा कुहार जब अपना चाक चलाता है उसको कोई पत्थर टुकड़ा फेंकी पत्थर क्या करेगा, कौन सा बल कहते हैं, यहाँ भाई बल काम करेगा हवाओं क्या करेगा पृथ्वी ऊपर की तरफ फेंकेगा, जब ऊपर फेंकेगा तो क्या बनेगा एलपी लो प्रेशर। यहां भी क्या बनेगा लो प्रेशर। अभी हमने क्या देखा लो प्रेशर दोनों तरफ हाई फिर दोनों तरफ, अब भैया यहाँ लो प्रेशर बन गया। जब लो प्रेशर बना ये बीच वाला क्या है, ये क्या है हाई, हवा किधर किधर चलेंगी हाई से लो, माने हवाएं ऊपर से अब इधर तरफ जाएंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर घूम जाती हैं अपने दाएं, माने हवा सीधी नहीं चलेंगी अपने दाएं घूम रही हैं, यार चलना तो सीधा था ना कि घूम किधर रही है दाएं, क्योंकि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं घूम जाती है, तुमने दाएं घुमा दिया। अब दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ इधर हो गए एक तरफ जाएंगे वहां, घूम गई। अब जब हवाएं घूम गई यहां पे हवाएं क्या हो रही बैठ रही है उठ रही है, बैठ भी रही है और उठ भी रही है, इसी लाइन को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और में बनाना चाहिए इधर
हो जाएगा उसी से। इसी से भी हो जाएगा। चलो इसी का नाम बदल, जहाँ जीरो डी रखे हैं अब इसका नाम हम रख देते हैं 30-35। ये भी 30-35, ये भी 30-35। अब यहाँ समय क्या हो रही है, उठ रही है, एक उत्तर तरफ जा रही है, एक दक्षिण तरफ, इधर जा रही है और एक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हवा ऊपर उठ के जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, ये बनेगा 60-65, क्योंकि यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है, इनको घेरने के लिए 30-35 हवा आ रही है। यहाँ देखिए हवा इधर जा रही है, यहाँ पे 30-35 हवा है, ठीक। तो 60-65 जो हवा यहाँ पे होती है, ठीक, इसे कौन सी हवा कहेंगे। अब हवा किधर किधर जा रही है, किस दिशा से, किस दिशा की तरफ जा रही है, दक्षिण पश्चिम से हवा किधर जा रही है, दक्षिण पश्चिम हवा कहेंगे। अभी बताएंगे कहाँ पछुआ पवा हो जाता, अभी नाम बस, अभी कल डायग्राम समझ लीजिए, चलो थोड़ा सा और समझा लीजिए, पहले इतना समझ लीजिए, फिर से पैदा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दिख रही हवा है, कौन सा प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर, लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले से क्या बना है, हाई प्रेशर, हवा इधर से किधर बनेगी, अब इसे उपध्रुवी पवन कहेंगे, और यहाँ पे ध्रुवी पवन, ये हो गया उपध्रुवी पवन। अभी देखिए यहाँ से हवा, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई हवा, हाई से लो आएगी, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर घूम जाएंगी, अपने, तो ये हो गया उपध्रुवी पवन और ये हो गया ध्रुवी। फिर वही काम नीचे भी होगा, नीचे भी क्या हो गया, बर्फ क्षेत्र है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या होगा, बर्फ चादरे है, हाई प्रेशर, हवाएं हाई से, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाती है। तो ये हो गया ध्रुवी पवन, ये हो गया उपध्रुवी पवन, ये हो गया व्यापारिक पवन, ये हो गया डोलड्रम। तो लास्ट वाला जो दोनों है, यह होगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, दो हाई दो लो, दो हाई एक लो। यह डायग्राम समझ लीजिए, जो दिक्कत आए इसमें, इस कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं, इसके बाहर पूछ सकते हैं। हवाओं का वितरण अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ गया। इसे जो ये मैंने चक्र बनाया है, इसे कोस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोस्ट, कोस प्रवाह, तो इसको कहते हैं 30-35, 0-35 को कहते हैं हेडली कोस, हेडली कोस, इसे फेरल कोस, इसे ध्रुवी कोस, सेमी नीचे भी कहते हैं। अब 0-35 जो ये प्रक्रम है, ये इसको क्या कहते हैं, हेडली कोस, कोस नीचे फेरल, नीचे ध्रुवी, मतलब ये जो 30-35 0-35 है, इसे हेडली कोस, ऊपर फेरल कोस, कौन ये दोनों, ठीक, 30-35 60-65 फेरल कोस, 60-65 से ऊपर ध्रुव तरफ, दोनों क्या हो गया, ये एक बार समझ लेंगे, कल इसके बाद तो समझाएंगे और चीजें, पहले इतनी चीजें आप समझ लीजिए, यहां से जो चीजें आपको समझ नहीं आई वो पूछ लीजिए, इस डायग्राम को दोबारा ड्रा करिए अपने मन से, क्योंकि अपने मन से इसको ड्रा करिए, एक बार जो ड्रा कर लिए पूरे जीवन काल हवाएं आपको भूलेंगे, ये पूरे ग्लोब पर हवाओं का वितरण, इसमें भी स्थानीय पौने हैं, मानसूनी पौने हैं, ठीक, चिपती 40 दहाड़ती 60, अभी इन लोग अलग से पढ़ेंगे, अभी इसमें और चीजें हैं, लेकिन ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट, ये अगर समझ में आ जाएगा बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। जो पौने सर दाएं नीचे से ऊपर उठती है, हाँ, वो कुछ जो वहाँ स्थिर होती है, हाँ, तो दाएं से बाएं भी होती है कि केवल अपने अच्छे चलती है, अपने अच्छे, क्योंकि ऐसा प्रेशर ही बन जाता है। और कुछ भी कोई क्लास क्वेश्चन पूछ रहे, आप पूछ रहे थे कुछ, वो नहीं पढ़ता हम, तो ये हवा पढ़ा रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए वहां पे लो प्रेशर बन गया, ये फेरल नामक विद्वान ने बताया, इसलिए इसे फेरल कोस भी कहते हैं।
पृथ्वी की घूर्णन कार्य हवा को ऊपर फेंकता है। जब वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर बने सॉरी लो प्रेशर बनेगा तो दोनों ध्रुव हवाएं अपने यहाँ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हाई बनना तय है, दोनों ध्रुवों पर हाई बनना तय है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ है और हवा एकदम स्थिर रहती है, नीचे ऊपर उठेंगे ही नहीं। यहाँ पे हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर चल रहा था, ये नहीं लो प्रेशर अपने आप बना ना, अपने आप बना, ये अपने आप बना पृथ्वी घूर्णन गति के कारण, यही इसका अपवाद है। और कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं? तो ये टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि कल इसके आगे पढ़ेंगे, कि ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, इसको ध्यान समझ लीजिए, इसको ड्रा कर लीजिए, जो दिक्कत आ रही है ड्रा करने में हमसे पूछ लीजिए, ठीक।